अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो आज की वीडियो कोई रेसिपी नहीं है, एक छोटा सा व्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। आज मेरे दो चार काम थे बाहर, तो मैंने कहा चलो रिकॉर्ड कर लेती हूँ साथ। सबसे पहले मैं गई एटीएम, मुझे जितने पैसों की ज़रूरत थी मैंने उतने पैसे निकलवाए। उसके बाद जी हम गए शॉपिंग करने के लिए कोकाफ। मैंने कुछ बेबीज़ के लिए शॉपिंग करनी थी, न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही वैरायटी थी, बहुत अच्छे कपड़े थे बच्चों के, इतने क्यूट से आउटफिट्स देख के बच्चों के दिल कह रहा था कि सारे ही ले लूँ। लेकिन खैर, फिर मैंने यहाँ से कुछ शॉपिंग की, ये हो गई हमारी शॉपिंग। अब इसके बाद मैं आपके साथ एक मज़े की बात शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली इसके बाद हुआ ये कि हमें नज़र आ गए आम के दरख्त जो किसी के घर के अंदर लगे हुए थे। तो फिर हमने भी हिम्मत करके बेल बजाई और अंकल बाहर आए, उनको सलाम किया और पूछा कि क्या हम कुछ आम तोड़ सकते हैं आपके दरख्त से। अंकल भी बहुत नाइस थे, उन्होंने हमें परमिशन दे दी। फिर हम अंदर गए और हमने वहाँ पे 3 से 4 बड़े बड़े दरख्त देखे जो फुल ऑफ मैंगोज़ थे, भरे हुए थे मैंगोज से। तो ये आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े आम लगे हुए थे वहाँ पे। फिर जी मैंने वहाँ से कोशिश की कुछ आम उतारने की, जो मैंने उतार भी लिए। फिर मेरे भाई ने भी कोशिश की एक आम उतारने की, पर नहीं, उससे नहीं। और फिर वहाँ पे जो अंकल थे उन्होंने हमें मैंगोज गिफ्ट किए। फिर हमने उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हमें अपने घर आने दिया और आम भी तोड़ने दिए। फिर हमने उनको अल्लाह हाफिज़ किया और उनके घर से निकल गए। देन हमारा नेक्स्ट स्टॉप था आलू बुखारे का जूस। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और धूप भी बहुत तेज़ थी, और गर्मी के मौसम में आलू बुखारे का जूस इज़ माई फेवरेट जूस। फिर जी यहाँ से मैंने जूस लिया 3 ग्लास और घर आके सबके साथ बैठ के इंजॉय किया। ये था मेरा आज छोटा सा व्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।